ओके एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। कुछ नहीं है, जो पहला क्वेश्चन है सेम वैसा ही है। इसमें भी 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सेकंड में ए बी सी, तो इसको देख लेते हैं क्या है। सर पहले जो क्वेश्चन आप बना रहे थे उसमें भी 2 इंटीजर्स आपको बताना था जिसमें आपका सम -7 आता हो, डिफरेंस -10 आता हो या सम 0 आता हो। उसी तरह से इसको वर्ड्स में थोड़ा सा एक्सपांड करके लिख दिया और कुछ भी नहीं है। तो पहला ए जो बोल रहा है वो बोलता है कि राइट ए पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। हमको 2 ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जिनको माइनस करने के बाद, जिनका डिफरेंस निकालने के बाद आंसर 8 आता हो। ठीक है, एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा, ऑब्वियसली हम लोग उसको लिख सकते हैं। और उसी के बी में बोल रहा है राइट ए निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 5। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आपको एक निगेटिव इंटीजर बताना है और एक पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिसका सम -5 आता हो। ठीक है, और तीसरा जो पूछ रहा है सी में बोल रहा है राइट ए निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। यानी कि 2 इंटीजर बताने हैं जिसमें से एक इंटीजर निगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, और जो उनका डिफरेंस होगा माइनस करने पर -3 आंसर आना चाहिए। बहुत ईजी है, इसको देख लेते हैं। चलो बोर्ड में सेकेंड का ए, तो उसमें हम लोगों को 2 पेयर बताना है निगेटिव इंटीजर्स का। ठीक है, 2 ऐसे निगेटिव इंटीजर्स जिनका जो एडिशन होगा, सॉरी डिफरेंस होगा, वो 8 आना चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसे 2 इंटीजर्स जिनको हम ऐड करेंगे, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स होगी, 2 ऐसे निगेटिव इंटीजर्स जिनको हम ऐड करने पर उसका आंसर आना चाहिए 8 आएगा प्लस में। अब ये कैसे आएगा, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम प्लस और माइनस करते हैं यानी कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो जो हमारा आंसर होता है वो आंसर का जो साइन होता है चाहे प्लस हो या माइनस, वो डिपेंड करता है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो यहाँ हमको पॉजिटिव साइन चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी है कि जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, पहला आप जो नंबर लोगे वो नंबर आप ले लो 16, दूसरा नंबर ले लो 8, 16 माइनस 8 होता है 8। अब इसमें साइन किसका लगेगा, जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, बड़ा 16 बड़ा है तो उसका साइन पॉजिटिव, ये आंसर आ गया 8। बहुत सिंपल है। अगर आप इसको चाहो तो दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते हो, ये बोला था कि 2 निगेटिव इंटीजर्स लेना है। ठीक है, 2 निगेटिव इंटीजर्स लेना है, तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। अपन हम 16 और 8 को लेके ही बना देते हैं। ठीक है, मान लो ये 16 हो गया -8। ठीक है, डिफरेंस निकालना है -8। ठीक है, सॉरी -16। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए रूल फॉलो करना पड़ेगा, पहले -8 लिख लेते हैं। अब ये माइनस इंटू माइनस, रूल बोलता है माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया +16। अब इन दोनों के बीच में एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन, रूल से देख लेते हैं। ये है माइनस और प्लस, माइनस और प्लस होता है माइनस, यानी कि दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होगा। तो 16 माइनस 8 हो गया 8, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है इन दोनों, बड़ा है 16 का साइन प्लस, ये हो गया +8। यही हमारा आंसर था। तो हमारे पास जो 2 निगेटिव इंटीजर का पेयर जो आपको पूछा था जिनका डिफरेंस 8 आना चाहिए, वो है -8 और -16। -8 एंड -16 आर द इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। ठीक है, ये हो गया 8। अब इसी का बी ले लेते हैं, बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, प्लस और माइनस का ध्यान में रखना है, बहुत इजीली बन जाएगा। ए हो गया, अब अपन बी ले लेते हैं। बी में बोल रहा है कि राइट ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। अब यहाँ पर वो बोल रहा है वो सम इज -5। अब फिर से वही चीज कि दो अपने को 2 इंटीजर लेना है हमें, और 2 इंटीजर में से वो दोनों में से एक इंटीजर जो माइनस में होगा उसका साइन इसके पास जाएगा। ठीक है, तो हमेशा एडिशन या सब्सट्रैक्शन में आंसर में उसी का साइन आता है जो बड़ा होता है। तो यानी कि हमको जो बड़ा नंबर लेना है वो माइनस में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं अपन -10,
प्लस 5, क्योंकि एडिशन करने के लिए बोला है, हो गया। अब देख लेते हैं प्लस इनटू माइनस क्या होता है। हमको एडिशन करने के लिए बोला है तो यहाँ पर एडिशन का साइन है, ठीक है, बाद में कुछ भी हो सकता है, बाद में ये साइन डिपेंड करता है रूल के ऊपर कि यहाँ एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पर एडिशन का साइन हमने लगा दिया है। माइनस इंटू प्लस देख लेते हैं, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, यानी कि दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन होगा तो ये आ जाएगा 5, और जो बड़ा है इन दोनों में 10 बड़ा है, 10 का साइन माइनस, जो कि माइनस होगा, ठीक है, बहुत ईजी। दूसरा एक और तरीका है, आप दोनों इसमें एक्चुअली ऑलरेडी ये बोला था कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर लेना था, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया 5, और ये -10 हो गया निगेटिव इंटीजर। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, 5 को पहले लिख सकते हो प्लस ऑफ -10, इस तरीके से भी कर सकते हो। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आएगा 5 -10, ठीक है, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस होगा, 10 -5 आंसर आएगा 5, दोनों में जो बड़ा है 10 बड़ा है, 10 का साइन माइनस, तो ये हो गया -5। इजी था। अब इसका नेक्स्ट ले लेते हैं सी, सेकंड क्वेश्चन का सी। सी में बोल रहा है कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अब हमको दो ऐसे इंटीजर लेना है जिनको माइनस करने पर उसका आंसर -3 आना चाहिए। तो फिर से वही चीज मैं बोलूंगा, जब भी हम दो इंटीजर को आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में साइन उसी का लगता है जो बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक जो इंटीजर बड़ा इंटीजर होगा साइन उसका माइनस होना चाहिए। तो ठीक है, देख लेते हैं, इनको हमको सब्सट्रैक्ट करना है। वहां पर यही बोला हुआ है एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और एक निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ याद रखें, अगर हम यहाँ माइनस वाला ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर कोई माइनस ले लेते हैं, तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, एक पॉजिटिव हमको लेना है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, -2 और +1, ठीक है, ये -2 हो गया, +1 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो गया -2, ये हो गया -1, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होने के बाद, क्योंकि माइनस माइनस इंटू प्लस, ये अगर यहाँ कुछ नहीं है तो ये प्लस है, ठीक है, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ले लेते हैं, एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, दोनों के बीच में एडिशन होगा, 2 + 1 = 3। साइन किसका लगेगा जो बड़ा है, ये हो गया, ठीक है, बहुत ईजी है।